अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेबसाइट पे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें ई कॉमर्स की हमारी वेबसाइट होनी चाहिए, शॉपिफाई होना चाहिए, मैजेंटो होना चाहिए, हमें पाकिस्तान से बैठ के वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, या अमेजोन पे काम करें या FBA पे काम करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सारी आज की कन्वर्सेशन को समझने से पहले आपको मेरी वो वीडियोस देखनी होंगी, घंटा थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज क्या है वेल्थ क्रिएशन के लिए। जो लोग दौलत बनाना चाहते हैं, देखिए किचन इनकम हर शख्स बना लेता, मैं किचन मनी की बात नहीं कर रहा, मैं दौलत की बात कर रहा हूँ जिसे वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, उसके लिए आपको टाइम लेवरेज, मनी लेवरेज सीखना होगा। मेरी दूसरी वीडियो भी अगर आपने देखी हुई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे बिजनेस और गंदे बिजनेस का क्या फर्क है और कौन सा बिजनेस होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी हुई है तो मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। कहेंगे कि वेबसाइट के ऊपर बिजनेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ होना चाहिए। आप बिजनेस मॉडल समझ लें, एक बार आपकी मर्जी, उसके बाद आप डिसाइड करें आपको वेबसाइट पे बेचना वेबसाइट पे बेचें। वेबसाइट पे आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं, वेबसाइट पे बिजनेस किया जाता है, लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान में रख लें कि वेबसाइट्स जो हैं वो ट्रैफिक आपने गूगल से या फेसबुक से लानी होती है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ती है। डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो आपको प्रॉबेबली 6 महीने साल लग जाते हैं वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते करते, फिर उसके बाद वेबसाइट्स पे ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। डे वन से भी ऑर्डर आते हैं, अगर आप फेसबुक और गूगल एड्स ऑन कर देते हैं तो आपके डे वन से भी ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। एंड ऑफ द डे आप 15% अमेजोन को दे रहे हैं, अगर आपने 15 या 20% का एक्सपेंस वेबसाइट के लिए डाल दिया कि ठीक है मेरा अगर वेबसाइट पे मार्केटिंग के ऊपर 15-20% लग रहा है, ओके फाइन, इट्स गुड इनफ। पॉइंट सारा ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझ लें आप इस वक्त के 100 ऑर्डर्स अगर आपके यूनाइटेड स्टेट्स में आ रहे हैं तो 57 तो अमेजोन के पास हैं, 7.5% ईबे के पास है, 3.5% वॉलमार्ट के पास है, गूगल के पास, फेसबुक के पास, मिला मिलो के 10% की ट्रैफिक है इस वक्त। तो अगर आपके दिन के 10 ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं तो इट मीन्स के 57 ऑर्डर्स पोटेंशियली आपके अभी अमेजोन से आने थे जो आप नहीं लेकर आ रहे। एक तो इस पॉइंट को आप समझ लें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अमेजोन की इस वक्त है, अमेजोन ने बायर का ट्रस्ट विन कर लिया। बायर जो है वो डरते हैं वेबसाइट्स के ऊपर जाते हुए ऑर्डर प्लेस करते हुए, जिसकी वजह से वेबसाइट के ऑर्डर हमेशा कम होते हैं आपके। अच्छा, अभी यूके में अभी भी आपके पास वेबसाइट्स गूगल के पास ई कॉमर्स की ट्रैफिक है, अभी भी है। आप ये समझ लें ईबे, अमेजोन और गूगल तीन बराबर बराबर के ऑलमोस्ट हिस्से हैं इस वक्त इनके यूके के अंदर, लेकिन कब तक होंगे? प्रॉबेबली अगले 1-2 साल में अमेजोन उनको भी खा जाएगा, जिस तरह अमेरिका में अमेजोन सबको खा गया है, यूके में भी खा जाएगा। तो वेबसाइट में अभी भी आप काम कर सकते हैं अगर यूके में कर रहे हैं, यूएस में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यूएस के अंदर आप अगर करना भी चाहें और अगर आप सक्सीड कर भी जाते हैं, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में दिन रात एक कर देते हैं और फिर उस दिन रात की मेहनत के बाद आप 1 साल के बाद आपकी वेबसाइट दौड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड जहां 10 ऑर्डर आ रहे हैं वहां 57 ऑर्डर पोटेंशियली अमेजोन के थे आपके पास। अच्छा, सेकंड पॉइंट आप ये समझ लें वो लॉजिक जो लोग कहते हैं कि जी वेबसाइट को हमें अमेजोन से ट्रैफिक चोरी करके लानी चाहिए और अपनी वेबसाइट पे लानी चाहिए, यहां हम उल्टा काम कर रहे हैं, यहां हम वेबसाइट की ट्रैफिक को अमेजोन लेके जाते हैं ताकि हमारा अमेजोन की लिस्टों का BSR बढ़े और वो हमारी सेल्स मल्टीप्लाई हो जाती है वहां पे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एसेट की वैल्यूएशन या एसेट की वाइबिलिटी चेक करनी है यहाँ पे। अच्छा बिजनेस, गंदा बिजनेस, अगर आप मेरी वो वीडियो देख लें और घंटा थ्योरी देख लें, आपको कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे कि मैं मेरा असल जो लॉजिक जो है वो FBA वाली क्यों है। आप एज अ सेलर जब आप वेबसाइट पे बेचना शुरू करते हैं तो एक प्रोडक्ट से तो आप घर नहीं चला सकते, तो आपको डालनी होती है बहुत सारी प्रोडक्ट, फिर आप आते आते प्रोडक्ट बढ़ाते रहते करते करते आप 100, 200, 300 प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। जब आप 300 प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपके पास 300 प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है आपको। आप 300 प्रोडक्ट पे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपके घंटे बिकने शुरू हो जाते हैं, आप 18-18 घंटे पर काम भी करते हैं, उसके बाद आप ऑक्युपाइड हो जाते हैं, आप बिजनेस के अंदर घुसते चले जाते हैं, उसके बाद आप सबको बताते हैं क्या बिजनेस है मेरा, क्या वेबसाइट है मेरी, मैं अपनी वेबसाइट से $1,00,000 की सेल करता हूँ, लेकिन उसके बदले में आप ये वाला पॉइंट नोट कर रहे हैं कि आपके घंटे कितने बिक चुके हैं। आप 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे दिन के काम भी करते हैं। वेबसाइट को चलाना, 300 प्रोडक्ट को चलाने में बड़ी मेहनत होती है। Amazon FBA ऑन दी अदर हैंड ऑटोमेशन ज्यादा है उसके अंदर,
तो अब एक ही प्रोडक्ट आपकी $1,00,000 अगर कर देती है महीने का, तो वो 300 प्रोडक्ट पे भारी है, 300 प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां आपका घंटा दो घंटा भी नहीं लग रहा, ऑटोमेशन में बिजनेस घूम रहा है वो सारा। तो फर्क है इन दोनों एसेट्स के साइज में, फर्क है उनकी वैल्यूएशन में, फर्क है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एम्पायर फ्लिपर पे चले जाएं, आप जाके कोई वेबसाइट वाला बिजनेस भी बिकने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्रियां उठा के देखें, 10-10 साल पुरानी वेबसाइटें होती हैं वो, 10 साल उनकी हिस्ट्री होती है उनके पास, तब के जाके वो मुंह फाड़ के 25 या 30 महीने का प्रॉफिट मांगते हैं। जबकि FBA की एसेट्स जो है, आप नोट करेंगे, 1 साल पुराना एसेट अगर $1,00,000 महीने का बेच रहा है, वो 35 महीना मांग लेता, आराम से मांग लेता, 1 साल पुराना एसेट जल्दी बिक जाता। और लोग FBA का एसेट बाय, देखिए आप अपने आप को बायर बनाए थोड़ी देर के लिए, बायर कहता है कि मुझे FBA का एसेट चाहिए, इसलिए कि वेबसाइट कौन चलाएगा, कौन इंप्लॉयज को हैंडल करेगा, कौन फैक्ट्री वालों को मैनेज करेगा, कौन कस्टमर सपोर्ट संभालेगा, कौन पिक पैक शिप करेगा, काम बहुत ज्यादा हो जाता है उसके अंदर, आपका उसमें आपका काम बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके घंटे बिक जाते हैं। तो नया बायर भी ये सोचता है कि अगर मैं आपकी वेबसाइट खरीद लूं तो सारा काम तो मुझे करना पड़ेगा, एंड पे 300 प्रोडक्ट भी संभालूंगा, डिजिटल मार्केटिंग भी संभालूंगा मैं, तो इससे अच्छा मैं कोई FBA वाला एसेट खरीद लेता हूं। एक ही प्रोडक्ट है, वो 10,000 यूनिट उसके घूमे जा रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए, वो ज्यादा अच्छा एसेट है, भले इसके 35 महीने देने पड़ते हैं, मैं 35 महीने दे देता हूं, लेकिन वो वेबसाइट वाला जो है ना, वो 30 महीना भी ज्यादा लगता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। आप खुद सोचें, बायर के पर्सपेक्टिव से देखें कि कौन सा एसेट बेहतर है, किस एसेट में आपकी जिंदगी के घंटे कम बिकेंगे और कौन से वाले एसेट में आपके घंटे ज्यादा बिक रहे हैं, फर्क है यहाँ पे, बहुत फर्क है। वेबसाइट को ऑपरेट करना चलाने में और FBA के एसेट को चलाने में जमीन आसमान का फर्क है। Amazon के ऊपर लोगों के अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं, आप ये भी तो देखें ना, लोगों के अकाउंट सस्पेंड होते हैं इस बात पे कि आप रिटेल आर्बिट्राजिंग करेंगे, आपके ऑर्डर डिले भी हो सकते हैं, रिटर्न्स भी हो सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट के मसाइल हो सकते हैं। रिटेल आर्बिट्राजिंग तो सीधा सीधा आप समझ लें कि वो तो गारंटेड सस्पेंशन की तरफ जा रहे हैं आप। ड्रॉप शिपिंग अगर ढंग से की जाए, सही तरीके से की जाए, प्रॉपर होलसेल अकाउंट बना के की जाए, ठीक है, उसमें रिस्क कम हो जाता है। FBM से रिलेटेड जो बिजनेस में रिस्क हो सकते हैं, वो वाले रिस्क होंगे। प्राइवेट लेवल FBA के अंदर आपका रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है, बिकॉज इट्स योर ओन ट्रेडमार्क, योर ओन ब्रांड, कोई उस पर इन्फ्रिंजमेंट नहीं डाल सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता किसी किस्म का, आपके ऊपर कोई वायलेशन नहीं आ सकती, तो उसमें रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो वो वाली लॉजिक इज नॉट राइट कि जी Amazon पे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, इट्स नॉट राइट, ये लॉजिक ठीक नहीं है। लॉजिक ये है कि आपको बिजनेस करना आना चाहिए, अगर आप ही को नहीं करना आता बिजनेस, तो आप किसी बिजनेस को गंदा मत बोले। आप ये नहीं बोले कि जी होटलिंग का जो बिजनेस है बहुत ही गंदा बिजनेस है, ये नहीं चलता। अब ये नहीं कह सकते कि जी गाड़ियों का कारोबार बहुत ही गंदा बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत ही गंदा बिजनेस, किसी भी बिजनेस में जिसमें आप फेल हो जाए आप उसको गंदा बोलना शुरू कर दें, वो बेसिकली आपका अपना फेलियर है। आप अपने आप को फेलियर बोले, आप बिजनेस को या किसी मॉडल को फेलियर मत बोले आप। तो इट्स योर चॉइस, आप वेबसाइटें बनाइए और वेबसाइटों के ऊपर ट्रैफिक लेकर आइए, उनको ऑप्टिमाइज करें, और आप ड्रॉप शिपिंग करें या चाइना से भेजें या कुछ भी करें, आपके घंटे बिकते हैं उसके अंदर और आपका काम बढ़ जाता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई कई साल लग जाते हैं वेबसाइट के बिजनेस को उस स्केल तक पहुंचते हैं कि जब वो एक सेलेबल एसेट बन जाता है, उसको सेलेबल एसेट बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। FBA का जो प्रॉपर्टीज हैं या लिस्टिंग हैं वो जल्दी सेलेबल हो जाती हैं, जल्दी फ्लिपेबल हो जाती है, ये एक अच्छा पॉइंट है उनका। अदर देन दिस मेरी अपनी कोई जज्बाती या कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है FBA के साथ, इट्स ऑल अबाउट मैं उसको एज अ फ्लिपेबल एसेट देखता हूँ और एक अच्छा एसेट देखता हूँ। चंद घंटे मांगता है, आसानी से फ्लिप भी हो जाता है, गुडविल भी अच्छी मिल जाती है, जल्दी भी क्रिएट हो जाता है, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। हम लोग तो वेबसाइटों के ऊपर ब्रांड खड़े करते हैं, वेबसाइटें खड़ी करते हैं और अपनी आने वाली ट्रैफिक भी Amazon FBA की लिस्ट पर पहुंचा देते हैं, ताकि वहां हमारा BSR बढ़े। वहां मार्केट इतनी ह्यूज है, इतनी मैसिव है कि जितने साल हमें वेबसाइट पे ऑर्डर्स गेन करने में लगेंगे, एक साल में ही उतने ऑर्डर्स आपके Amazon पर आ जाते हैं। और रहेगी बात लॉयल्टी की कि जी बायर लॉयल होना चाहिए, हमारा अपना बायर होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए उस बायर के ऊपर, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस बात से कि बायर लॉयल होना चाहिए। मैं उसको एज ए एसेट देख रहा हूं, मेरे लिए वो एसेट है।
हाँ जी कितना प्रॉफिट आ रहा है महीने का, जी $10,000 आ रहा है, ठीक है $3,500-$4,00,000 में ये ऐसे फ्लिप कर दो। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो जेनी बड़ी लॉयल कस्टमर थी या माइकल बड़ा लॉयल कस्टमर था, मुझे कस्टमर लॉयल्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा कस्टमर, मेरी लॉयल्टी, मेरा बायर होना चाहिए, हमारी ट्रैफिक होनी चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, बेसिकली वो किचन फोकस्ड है। उनका फोकस जो किचन इनकम की तरफ जा रहा है कि मैं मंथली किसी तरीके से अमेजोन या ईबे से ट्रैफिक लूटूं और लाके अपनी वेबसाइट पे लाऊं और मंथली किचन बनाऊं। लेकिन आप सोच को थोड़ा बड़ा करें, आप उसको एज ए एसिड देखें। जब आप किसी बिजनेस को एज ए एसिड देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से लॉयल्टी निकल जाती है। हु केयर्स अबाउट लॉयल्टी, मैंने कौन सा इस बिजनेस को 7 नस्लों तक रखना है कि जी ये मेरी वेबसाइट है 7 नस्लें खाएंगी इसमें से। नो इंटरेस्ट। वेबसाइट खड़ी की, अमेजोन के ऊपर ट्रैफिक भेजी, अमेजोन की लिस्ट को बड़ा किया, लिस्ट भेज दी, खत्म, फ्लिप कर दिया उसको। असल पैसा तो फ्लिपिंग के अंदर है, दौलत या वेल्थ तो आप वहां फ्लिपिंग से क्रिएट करेंगे। तो आप उस एंगल से देखें, आप एसेट के परस्पेक्टिव से जब देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा ये तो यहाँ पे जो जो असल जो बिजनेस है वो बिजनेसेस बना बना के बेचना है, असल बिजनेस हमारा ये है। तो मुझे इससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि नेचुरली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बायर मेरा हो, मेरा कंट्रोल हो, मैं उसको ऑफरें भेजूं और दूसरी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो आप इन पर्सपेक्टिव से चीजों को देखें, सोचें, समझने की कोशिश करें।